फ्रेंड्स, तो लौट आया हूं मैं फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी का जो आइडिया है वो हमें वापस से आयुष ने दिया है। आयुष जिन्होंने हमें जिनकी शादी वाली कहानी भी भेजी थी, तो आज उन्होंने ही बताया कि एक और रियल इंसिडेंट है। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं कहां पहुंच गया हूं। मैं पहुंचा हूं कॉल सेंटर में, क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है, कहानी है, इंसिडेंट है, वो एक कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ है। शायद आप में से कई लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये एक बीपीओ है गुड़गांव के अंदर, ठीक है, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। स्टोरी को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। खैर, स्टार्ट करते हैं। कहानी घूमती है अराउंड रोज। रोज जो कि कॉल सेंटर के अंदर एक एग्जीक्यूटिव थी, ठीक है, और नाम उसका एक्चुअल नाम रोज नहीं था, लेकिन वो इंडिया में रोज के नाम से फेमस है। और बहुत 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 फेमस इंसिडेंट है ये, और ये शायद अराउंड 2005 के आसपास का ही इंसिडेंट है। तो उस टाइम पर गुड़गांव में बीपीओ बना था, उस बीपीओ में लोग काम करते, तो वहीं पर रोज भी एक एग्जीक्यूटिव थी। रोज अपने बाकी सारे जो कलीग्स होते हैं, बाकी एम्प्लॉयज थे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। इंस्पिरेशन क्यों थी? क्योंकि रोज एकमात्र ऐसी एम्प्लॉय थी जो उसको दिए गए मंथली टारगेट्स को ऊपर एक्सीड करती थी। हर महीने जितना टारगेट दिया उससे ज्यादा काम करके वो देती थी, डिलीवर करती थी। रोज रोजाना ऑफिस टाइम से आती थी और टाइम से जाती थी। इवन अगर उसको अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा रुकना पड़े तो वो कई घंटों तक एक्स्ट्रा रुक के, अकेली ही कॉल सेंटर में रुक के अपना पूरा टारगेट पूरा करके जाया करती थी। टीम लीडर्स, मैनेजर्स, सब रोज का एग्जांपल देते थे। जब भी किसी को समझाना हो, दिखाना हो, बताना हो, देखो रोज को देखो, वो अपने सारे टारगेट पूरे करती है। लगातार हर महीने वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुनी जाती थी। तो मतलब वो तो एक परफेक्ट एम्प्लॉय, परफेक्ट एम्प्लॉय। तो वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। उसकी एक फ्रेंड भी थी, उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे वो दोनों, ठीक है। वहीं साथ में काम करते करते ही उनकी जान पहचान हुई थी और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। रोज ऐसी थी कि इवन वो अपनी फ्रेंड के टाइम, जैसे ना कभी आपने, आपका फ्रेंड है उसने छुट्टी ले ली, दो तीन दिन उसका काम नहीं हुआ, तो इवन उसका वो भी काम संभाल लेती थी, उसके भी टारगेट्स को पूरा करने उसकी पूरी हेल्प किया करती थी। तो ये थी रोज, जो कि एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। और रोज एस्पिरेशनल थी, लोगों को लगता है कि मतलब इतना काम कर रही है, ऑब्वियसली उसको इंसेंटिव्स मिला करते थे, पूरे ऑफिस में सबसे हाईएस्ट सैलरी उठाया करती थी एग्जीक्यूटिव्स के अंदर ड्यू टू देयर इंसेंटिव्स। तो वो जब उससे पूछते थे रोज से कि मतलब तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, इतना काम क्यों करती हो, तुम्हारे चक्कर में हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है, लोड आता है, बॉस हमसे बोलता है कि तुम भी देखो उसकी तरह काम करो, तो बोलती बस ऐसे ही मुझे मजा आता है काम करने में और बस बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि बहुत गरीबी देखी है तो पैसा बहुत कमाना है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरह से वो लोगों से, लोग उससे बात करते थे, लोग उसके बताते कि वो ऐसा सोचती थी। तो बहुत एस्पिरेशनल थी वो और कभी भी अपने काम के आड़े किसी भी चीज को आने नहीं देती थी। तो इस तरह से लाइफ चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बस जस्ट ऑफिस खत्म होने वाला था, मतलब टाइम शिफ्ट होती ना कंप्लीट हो गई थी और सभी लोग अपना काम खत्म करके निकलने वाले थे, तभी अचानक से रोज के डेस्क के ऊपर एक फोन बजता है। जैसे ही रोज के डेस्क पे फोन बजता है, रेगुलर काम की तरह रोज ने फोन उठाया और वो अपना कॉल, इनबाउंड कॉल था, इनबाउंड समझते ना, इनबाउंड कॉल था तो अंदर कॉल आया था, तो उसने फोन उठाया और वो फोन पे बात करने लग गई। तो जो उसकी टीम लीडर थी उसने वेट किया कि चलो ठीक है एक और कॉल आ गया है, तो इसको रोज है तो रोज तो फटाफट से है ना, रोज तो रोज ही बढ़िया से इंक्वायरीज को क्लोज करती, तो आज भी थोड़ी देर में क्लोज कर देगी, फिर साथ में निकल जाएंगे, मतलब फिर निकल जाएंगे। अब भाई वो जो आपके उनकी जो टीम लीडर थी वो बैठी रही, बैठे 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 बहुत देर हो गई, 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट तक वो कॉल चलता रहा। कोई इनबाउंड कॉल जनरली जब आता था और रोज के पास आता था तो उसको 4 से 5 मिनट में क्लोज कर देती थी, तो सेल निकाल के फ्री कर देती थी उसको। लेकिन आज 40 मिनट तक रोज किसको कन्विंस करने लगी, उसको लगा कि यार हो सकता है रोज को मेरी हेल्प की जरूरत हो। तो उसने क्या किया, दूसरे फोन से उठाया, देखा कि क्या बोल रहा है सामने वाला, क्या बात हो रही। तो देखा कि उस तरफ लाइन पे कोई नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था, उसको सुनाई नहीं आ रहा था, और उधर रोज जो है वो बातें करी जा रही थी, वो उसको देख रही थी, समझ में आता लाइन पे कोई है नहीं। उसने फोन चेक किया, उतने उठा के फोन बिल्कुल सही काम कर रहा था, कि उसने जैसे दूसरा चेक किया उसको कहीं और डायल कर काम कर रहा था। और जब रोज की लाइन को कनेक्ट कर रही थी तो उधर से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन रोज वहां पे बात करी जा रही थी। रोज ऐसा हो रहा था जैसे मतलब कोई लड़ रहा हो, मतलब आपस में ना बड़े गुस्से से वो हो रही थी, चेहरे पे एक्सप्रेशन उसके अजीब से ही थे, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो रोज के पास गई और रोज से बोला कि तुम इतनी देर से किससे बात कर रही हो, मैंने चेक भी किया तुम्हारे तुम्हारे उस उधर उधर लाइन पे तो कोई भी नहीं। इतना रख देखते ही रोज ने फोन रख दिया और बोले नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो आई थिंक कुछ इशू हो गया था। तो लेकिन तुम बात किससे कर रही थी, मतलब तुम्हारी लाइन पे तो किसी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तो बोलते नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, चलिए चलते हैं, टाइम हो गया और लेट हो गए। तो ऑब्वियसली वो भी लेट हो गई थी, उसने भी इग्नोर कर दिया, शायद हो सकता है कुछ पर्सनल मैटर हो, ये बताना नहीं चाहती हूँ। चले गए ऑफिस। अगले दिन वो टीम लीडर वापस आई
बड़ी उत्सुकता थी इसको जानने की, क्योंकि अगले दिन लास्ट टाइम उसको लगा कि हाँ ठीक है यार अभी परेशान से लग रही है, कल बात करेंगे। कल आई उसने देखा रोज, तो रोज तो ऑफिस में थी नहीं, तो उसने पता किया एचआर डिपार्टमेंट में, तो एचआर ने बोला कि नहीं हमें तो कोई इंटीमेशन नहीं है रोज के छुट्टी लेने का। तो उन्होंने चेक किया तो उस दिन रोज का मतलब जो अटेंडेंस कार्ड था उसमें अटेंडेंस में रोज नहीं थी। तो उनको लगा ठीक है हो सकता है, उसको लगा शायद कल उसकी किसी से बात हुई थी, शायद परेशान होगी, शायद से छुट्टी ले ली होगी, कल ऐसा कुछ हुआ था, उसने इंसिडेंट बताया अपने को। उन्होंने ठीक है, अगले दिन फिर से रोज नहीं है, फिर से एचआर डिपार्टमेंट पता। इस तरह से अगले 3 4 5 5 दिनों तक लगातार रोज नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोज ऑफिस नहीं आए। और दूसरी बात, ऑफिस अगर वो नहीं आ रही है वो इन्फॉर्म ना करे, अभी बिना इन्फॉर्म के रोज गायब, और उस कॉल के बाद से वो गायब है। तो अब उसका दिमाग ठनका कि इस कॉल में ऐसा क्या था कि रोज मतलब ऑफिस आने बंद कर दिया, क्या कोई उसको धमका रहा था, क्या किसी ने उसको किडनैप कर लिया है, या कोई कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो उस टीम लीडर ने अपने हायर मैनेजमेंट को बताया, उन हायर मैनेजमेंट ने एचआर वालों को बोला, फोन किया डायरेक्ट के कि पता करो रोज कहाँ पर है, अगर कुछ ऐसा सीन है तो हम लोग फिर पुलिस में उसकी कंप्लेन करते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट ने ढूंढना शुरू किया, तो रोज ने अपना जो एड्रेस दिया हुआ था, सबसे पहले वो लोग उन्होंने अपने बंदे भेजे वहां पर कि पता करके आओ रोज वहां पर है या नहीं है, कहाँ चली गई है। तो जैसे वहां पर पहुंचे, जिस एड्रेस का जिसने एड्रेस दिया हुआ था, उनका दिमाग खराब हो गया जब उनके पास इन्फॉर्मेशन आई। उन बंदों ने आके बताया कि वो जो लैंडलोर्ड है मकान मालिक, उसने बोला कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती, यहाँ कोई रहता ही नहीं है, मेरा घर है वो, मेरा अपना घर है, मैंने इसको कभी किराए पे दिया ही नहीं है, यहाँ पे इस नाम की कोई और लड़की नहीं रहती है, हो सकता है वो गलत एड्रेस दिया गया है। तो उनको भी लगा कि यार बोलो, पर वो सोच रहे थे कि इतनी सिंसियर एम्प्लॉय गलत एड्रेस क्यों देगी, पर्पस क्या है गलत एड्रेस देने का, उनको समझ में नहीं आया। तो रोज का वो एड्रेस गलत था, अब उसको ढूंढे कैसे। तो उन्होंने रोज की डिटेल्स खंगाली, डिटेल्स खंगाल के बहुत कोशिश की, उसके रिश्तेदार मम्मी पापा इसका ढूंढने की कोशिश की, बहुत टाइम मतलब ऑलमोस्ट इस प्रोसेस के अंदर उनको 3 महीने लग गए। 3 महीने तक ना तो रोज आ रही थी, रोज गायब थी, और कोई उसका अता पता नहीं था। तीन अब आप सोचोगे 3 महीने तो फिर कंप्लेन क्यों नहीं की, तो पुलिस को कंप्लेन उन्होंने की थी, ऐसा नहीं है, हफ्ते भर के बाद ही उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट दी कि भाई हमारे एम्प्लॉय था, क्योंकि कंपनी के ना लाइबिलिटी होती है कि हमारा एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता कहाँ पर है। तो उन्होंने दिया, पुलिस ने भी कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। 3 महीने तक वो अब उसके पीछे पड़े थे वो खंगालने में, जो एचआर डिपार्टमेंट था वो। तो एचआर डिपार्टमेंट ने अल्टीमेटली बहुत मेहनत करके उसके रिलेटिव्स को ढूंढा, और उनसे बात करने का जो उनको पता लगा, उनके बात तो सबकी हाथ में आ गई, सब पूरी तरह डर गए। मतलब क्यों? क्योंकि जब उनके रिलेटिव्स से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो 8 साल पहले मर चुकी है, आपके ऑफिस में कहां से काम करेगी। आप सोचो क्या होगा, आप अपने आप को सिचुएशन में रखो, आप जिसके साथ काम कर रहे हो, अब रोज कल उठते बैठते हो खाते पीते हो, वो 8 साल पहले मर चुका है, ओ भाई कौन हो तुम। यही हुआ, जैसे ऑफिस में बात पहुंची, एचआर डिपार्टमेंट में पता लगा, एचआर ने अपर मैनेजमेंट से पूरे ऑफिस में आग की तरह खबर फैल गई कि भाई वो जो रोज थी वो रोज रोज नहीं थी, वो तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। इतना सुनते ही अब आप सोचो, नॉर्मल जैसे आप हो मैं हूं हमें कोई नहीं लगता, लेकिन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड बनी हुई थी उसका दिमाग खराब हो गया, वो बिल्कुल सकते में आ गई कि 8 साल मतलब वो लड़की 8 साल पहले मर चुकी है, और मैं उतने दिनों से उसके साथ काम कर रही हूँ, उठ रही बैठ रही हूँ, अपनी हर चीज़ का शेयर कर रही हूँ। इवन उसको इतना बड़ा धक्का लगा कि उसकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। तो जिसके जो जो दो क्लोज लोग थे जो उसके साथ काम करते थे, एक की तो डेथ ही हो गई हार्ट अटैक आके, और दूसरे का मेंटल मेंटली अनस्टेबल हो गई वो, उसका साइकेट्रिक से इलाज चला और बहुत टाइम बाद जाके वो नॉर्मल लाइफ जी रही है। तो एक्चुअली जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि ये जो बीपीओ बना था ये कब्रिस्तान के ऊपर बना था, हो सकता है रूस की आत्मा वहीं भटक रही हो। कहते हैं कि आज भी, अब देखो अब तो क्या एसोसिएट हो गया, वो एक बार वो हुआ उसका तो लोग बोलते हैं कि हाँ आज भी उसकी आत्मा वहीं पे घूम रही, तो हो सकता है घूम रही हो। उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये था इंसिडेंट इस बीपीओ का। इसका नाम आप सर्च कर सकते हैं, मैं डिफेम नहीं कर सकता किसी भी चीज को, बट हाँ इसका नाम आप गूगल पर सर्च कर लें आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल 100% ट्रू स्टोरी है। तो आपसे फिर वो मेरा क्वेश्चन, मैं हर बार आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेट्स से आप कोचिंग जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपके साथ हर दिन कोई ना एक बंदा बंदी जो भी है, हर दिन वो आप उससे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, और आपको पता चले ये चीज कि भैया ये तो इतने टाइम पहले ही जा चुके थे, मैं जिससे आप घूम रहा हूँ वो तो सिर्फ एक आत्मा है या भूत है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप लोगों को क्या लगेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, और चलिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जैसे अगला वीडियो आता है आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज का मजा ले पाए। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।